देखिए, मैं देश के सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट भी सारा विषय में देख रहा है। कोई भ्रम की, कोई अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्वस्थ रहिए, मेधावी जो लिस्ट आई है उसी पे भरोसा करिए। जो कुछ समस्या पिछले दिनों में ध्यान में आई थी, आधे उसको समाधान कर दिया गया है, और जो छोटे एक जगह की समस्या आई थी उसको भी तह तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई कर लिया जाएगा। जो लोग मेधावी लिस्ट में है उनको घबराने का कोई कारण नहीं है। आखिरी सवाल, अध्यक्ष प्रधान जी, क्या एक ऐसा दौर देख सकता है जहां पर जीरो एरर हो, जहां पर पेपर लीक बंद हो जाए? हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है जीरो एरर हो। पेपर लीक के ऊपर हमने एक सख्त कानून बनाई है, जल्द ही उसकी रूल्स बन जाने वाले हैं। चुनाव की व्यस्तता के कारण वो थोड़ा नहीं बन पाई होगी, लेकिन इस बीच में मैंने जितना जानकारी लिया है, लॉ डिपार्टमेंट ने उसकी कानून को रूल्स रेगुलेशन में कन्वर्ट कर चुकी होगी। इस बीच में हम पूरा आश्वस्त करते हैं, इस प्रकार के गुनाह में संश्लिष्ट लोगों को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े बड़े गिरोह है, रसूखदार लोग उसके पीछे हैं, बड़े बड़े लॉबी उसके साथ काम करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देश की गरीब मध्यवर्गीय सामान्य लोगों की, बच्चे जिनके पास मेधा अकूत है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की, जीरो एरर बिना माल प्रैक्टिसेस की दायित्व तो सरकार की निश्चित बनती है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। देखिये, मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों के चैनल में एजेंडा क्या थी, सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन पहला दिन चुनाव से बाहर आके मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, कोई अन्य प्रकार की अनामोली की, अबनॉर्मैलिटी की नहीं थी, तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जितनी जानकारी है कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। लेकिन जो ही मेरे को उसके बारे में ध्यान में आया, मैं उसके अंदर तक गया, मैंने वहां की बिहार में प्रशासन से बात किया, यहां हमारे अधिकारी उस काम पे लगे, भारत सरकार की अन्य एजेंसियां काम पे लगे, कई चीज भारत सरकार की शीर्ष नेतृत्व तो उसमें से चिंतित था। जब देखो, प्रजातंत्र में जो चीज सच है उसको सच को बताना चाहिए। हमें, मैंने कहा कि विनम्रता के साथ, हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन किसकी करनी है? स्टूडेंट्स की करनी है, छात्रों की करनी है, उनके अभिभावकों की चिंता करनी है। इसीलिए अगर हमने कुछ कहा, इसमें भ्रम सृष्टि हुआ, उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई दुविधा नहीं है। बाकी मैंने उसी दूसरे दिन ही कहा था कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसको अगर दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और हम उस विषय में कायम है। इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना हमारी दायित्व है, और आने वाले दिनों में ऐसे गड़बड़ी ना हो, जीरो एरर की व्यवस्था हो, इसकी भी हम लोग दायित्व लेंगे। कैसे होगा जीरो एरर? देखिए, अभी कुछ ध्यान में आया कि एनटीए में जिस प्रकार की काम होते हैं, जिस प्रकार की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, पिछले साल एनटीए में 1,30,00,000 बच्चे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए इंटरव्यू परीक्षा देने आए हैं। इस साल अब तक 80,00,000 लोग परीक्षा दे चुके हैं। एनटीए एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसके कामकाज स्वच्छंदता से चले जाए और बिना गैर जिम्मेवाराना हो जाए। कुछ इंटरनल रिफॉर्म की आवश्यकता है, सरकार उसमें गंभीरता से उस विषय को लिया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जाएगा, एक्सपर्ट्स की कमेटी गठन किया जाएगा, जो एनटीए की स्ट्रक्चर, उसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, डाटा सिक्योरिटी, ये सारा विषय को बहुत बारीकी से, आज भारत इतना बड़ा देश, एक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो परीक्षाएं होती है, यह 100% पारदर्शी हो, 100% जीरो एरर हो, उसके लिए आज सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन से इंटरनल रिफॉर्म एनटीए के क्या करना चाहिए उसको किया जाएगा।